नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका लर्न मोर चैनल पे। मैं सतीश लेके आया हूँ एक्सेल के अंदर एक अमेजिंग फीचर्स। कौन सा है वो अमेजिंग फीचर, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे आओ दोस्तों, मैं एक्सेल फाइल के अंदर, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है डेटा, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अमेजिंग टॉपिक कौन सा है आज का। तो इसमें है 6 सब्जेक्ट, और मेरे एक व्यूअर है मोहम्मद यूनिस, वो कहते हैं कि किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर लेस देन 35 है वो तो फेल कैसे निकालना है। आपने बता दिया सर, लेकिन अभी ये भी बता दीजिए, अगर कोई दो सब्जेक्ट में फेल है तो ही फेल आना चाहिए, मतलब इसे 35 से कम है एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट टू में, और ये सब्जेक्ट फाइव में फेल हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, अगर वो दो सब्जेक्ट में फेल है तो ही फेल आना चाहिए, ये उनकी क्वेरी है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 3 नंबर स्टूडेंट, ये फेल है, लेकिन ये फेल नहीं आना चाहिए, पास ही होना चाहिए। तो उनका कहना ये है कि एक सब्जेक्ट में फेल है तो पास ही रहेगा, लेकिन दो सब्जेक्ट में फेल होने के बाद ही वो फेल होना चाहिए, ये उनका क्वेरी है। दरअसल ये एक अमेजिंग कंसेप्ट है। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि इसको कैसे करना है, ये एक लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे कि दो सब्जेक्ट का फेल रहे तो कैसे निकालेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो आपको करना होगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन दिया है उस पर भी क्लिक करना होगा दोस्तों। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, चलते हैं आज के टॉपिक की ओर निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, एक स्मॉल फंक्शन का यूज़ देख लीजिए आप। स्मॉल फंक्शन में हम लोग रेंज सिलेक्ट करेंगे, यानी एरे, एरे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिंटैक्स में, स्मॉल फंक्शन में पहले रेंज सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, हमें यहाँ पे पोजीशन कौन सी चाहिए, एक नंबर स्मॉल वैल्यू चाहिए, तो एक नंबर स्मॉल की पोजीशन यहाँ पे कौन सी है दिखाई दे रहा है, 31 एक नंबर स्मॉल पे। वैसे अगर स्मॉल फंक्शन में दोबारा करूँगा इस एरे पे, उस टाइम पे मैं के यानी कौन से नंबर की पोजीशन का वैल्यू चाहिए, तो दो नंबर स्मॉल कौन सी है, तो ये रेंज में एक नंबर पोजीशन पे है 31, दो नंबर पे 34। तो अगर आप ऐसे ही ड्रैग करेंगे तो आपको दिखाई देगा हर एक नंबर की पोजीशन पे कौन से पहली दो वैल्यू स्मॉल है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज हम कंपेयर करेंगे लेस देन 35, जो भी आपका कंडीशन है लेस देन 35 से, और उसे एंड के अंदर डाल देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए वही कर लेते हैं। इफ सिंपल फॉर्मूला है अभी, एंड ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे लेना है स्मॉल फंक्शन, जो स्मॉल फंक्शन का ये जो रेंज है ये पूरा सिलेक्ट कीजिएगा, और कॉमा, एक नंबर स्मॉल की पोजीशन की जो वैल्यू है वो लेस देन 35 कंपेयर कीजिए। आपका जो प्राइस पासिंग क्राइटेरिया रहेगा, किसी का लेस देन 40 भी रहता है, किसी का लेस देन 35 भी रहेगा। फिलहाल मैंने लेस देन 35 ले लिया है, तो मैंने ले लिया स्मॉल, एक नंबर की वैल्यू अगर लेस देन 35 है, और एंड स्मॉल सेकेंड नंबर की भी, मतलब रेंज दोबारा वही सिलेक्ट करेंगे, और सेकेंड नंबर की जो वैल्यू है वो भी अगर लेस देन 35 है, तो मैं इसे लेता हूँ लेस देन 35, और यहाँ पे हम लोग लेंगे लेस देन 35 हो गया, ये कम्प्लीटली आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर ब्रैकेट क्लोज करते दोनों वैल्यूज़ अगर लेस देन 35 है तो फेल, नहीं तो पास, ये हमारा ये कम्प्लीट फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। और एंटर कीजिए, यहाँ पे रिजल्ट आ गया है फेल, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट में फेल है, और एक सब्जेक्ट में अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो एक ही सब्जेक्ट में खाली फेल होता है, मतलब लेस देन 35 है, तो वो पास दिखाया, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग दो सब्जेक्ट में फेल है तो कैसे उसे हम लोग लॉजिक बिल्ड कर सकते। दरअसल हम लोग ऐसा रिजल्ट अगर निकालना चाहेंगे तो इस तरह से भी इसका लॉजिक बनता है, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया दोस्तों। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये दो सब्जेक्ट में फेल है इसलिए फेल है, ये भी दो सब्जेक्ट में फेल है, कोई भी दो सब्जेक्ट हो सकते हैं वहाँ पे, इसलिए वो फेल है। तो कैसे निकालना है, उम्मीद का तो आपको ये समझा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको पता है कि स्मॉल एक नंबर की वैल्यू निकालेगा और उसको लेस देन 35 से कंपेयर करेगा, एंड स्मॉल दो नंबर की वैल्यू निकालेगा और उसे भी लेस देन 35 के साथ कंपेयर करेगा, अगर दोनों भी लेस देन 35 है तो ही फेल आने वाला है। तो ये लॉजिक ज़रा करके देख लीजिए प्रैक्टिस, उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा कंसेप्ट था जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए और आपको भी इसके बारे में बताना चाहिए, तो मैंने बता दिया। और जिन्होंने ये क्वेरी पूछी थी उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मोहम्मद यूनिस जी का। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए, और पुराने हो तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, सीखते रहो सिखाते रहो, बाय बाय।